मुंबई पुलिस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक बहुत अच्छी केस की है, जिसमें कुछ यंगस्टर्स कुछ फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं जिस पे बहुत ही अश्लील तरीके के वीडियोस वो अपलोड करते हैं। इसका मोडस बेसिकली ऐसा रहता है कि ये कुछ लड़कियों को बुलाते हैं कि कुछ छोटा सा एक प्रैंक करना है, और जो यहाँ के जो पब्लिक प्लेसेस है मुंबई के, जैसे बांद्रा फोर्ट एरिया हो गया, जुहू बीच, अक्साई बीच, गोराई बीच, और कुछ MCGM के पार्क्स भी है जहाँ पर इसका शूटिंग किया जाता है। 5 से 10 मिनट का रफली ये वीडियो होता है, और ये प्रैंक करने के बहाने इन लड़कियों को बुलाया जाता है। लेकिन जब ये वीडियो का शूटिंग शुरू होता है तो बहुत ही अश्लील भाषा का प्रयोग होता है और बहुत इनएप्रोप्रिएट तरीके से लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को भी टच किया जाता है। एंड ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे वो ओवरऑल वीडियो बहुत ही गंदा और भद्दा लगता है। ये सब वीडियोस तैयार करने वाले 3 आरोपी अभी तक गिरफ्त में हैं। इनके 17 यूट्यूब चैनल और कुछ फेसबुक पेजेस चलते थे जो अभी बंद करने के लिए मुंबई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने लिखा हुआ है। अब तक ऐसा अनुमान है कि इससे कम से कम 2 करोड़ रुपए की आमदनी इन चैनल ऑपरेटर्स को अभी तक हुई है। मुंबई पुलिस महिलाओं की सुरक्षितता को लेकर हमेशा कटिबद्ध है, हमेशा सजग है, हमेशा डेडिकेटेड है, और इसीलिए जब इस तरीके की कंप्लेंट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को आई तो इमीडिएटली सक्रिय होके ये कार्रवाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की तरफ से हुई है।